आज इस एक वीडियो में आपको पांच डिफरेंट टाइप की मैं रेसिपीज बताऊंगी जो ये आप व्रत में खा सकते हैं। और ये पांचों रेसिपीज इतनी आसान है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी, एकदम इंस्टेंट वाली रेसिपीज हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप के करीब साबूदाना। ये छोटा साबूदाना है, वैसे तो आप कोई भी साइज का साबूदाना ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साबूदाना को हम ग्राइंड कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंड करके एकदम पाउडर बना लिया, ये साबूदाना का पाउडर बन गया है। और ये मैंने एक बिग साइज का कच्चा आलू है, ये बॉयल आलू नहीं है, कच्चा आलू लिया है। और ये पहले जो मैंने साबूदाना ग्राइंड किया, उसके बाद इसी पाउडर में मैंने ये कच्चा आलू काट के डाल रही हूँ। मिक्सर जार के अंदर ही इसको डाल दिया है चॉप करके आलू को। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा पीस अदरक का, 2 हरी मिर्च डाली हैं, और थोड़ी सी इसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर ली है 1 छोटा चम्मच के करीब, और नमक, सेंधा नमक ऐड किया है यहाँ पे। और मैंने 1/4 कप के करीब पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। अब ये बैटर बन गया है, इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लें। और फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मैंने 1 छोटा चम्मच जीरे का ऐड करके थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने एक साथ दोनों चीज़ें क्यों नहीं ग्राइंड की, बट आलू बहुत सॉफ्ट होता है, साबूदाना हार्ड, तो आप इसको अलग अलग ही ग्राइंड करिएगा। अब 5 मिनट बाद बैटर को मैंने चेक करके देखा तो ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था। हमें इसकी कंसिस्टेंसी, जैसे हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो जो बैटर होता है ना, तो उसी तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और डाला था, उसके बाद ये बैटर बनकर एकदम तैयार है। अब यहाँ पे मैंने पहले से ही घी गर्म होने को रख दिया था, मीडियम हॉट है ये घी। उसमें मैं इसको पकौड़ी की तरह छोटे छोटे मैंने ये नगेट्स डाल दिए हैं साबूदाना के। अब इसको ना एकदम से नहीं स्टिर करना है, थोड़ा जब ये सेटल हो जाए, नीचे से क्रिस्पी हो जाए, तब हमें स्टिर कर लेना है इसको। और थोड़ी देर तक इसको मीडियम हीट में मैंने पकाया है। फिर देखिए, जब इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो गया है तब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं ये और इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब इसको हम ड्रेन कर लेंगे घी से, और थोड़ी देर तक इसको ऐसे ड्रेन करके रख देंगे तो सारा ऑयल निकल जाएगा। उसके बाद इसको आप टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर लीजिए, या ऐसी चाय के साथ इसको खाइए। बहुत ही क्रिस्पी था ये। आप इन साबूदाना नगेट्स को फास्ट में तो खा सकते हैं, वैसे भी इसको ऐसे ही बना के खा सकते हैं, ये इतने टेस्टी थे। तो डोसा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाना डोसा, और ये डोसा आप फास्ट में खा सकते हैं। मैं इसके बनाऊँगी कोकोनट चटनी, ये दोनों ही चीज़ें आप फास्ट में खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 कोकोनट लिया है, टेंडर कोकोनट, और थोड़ी सी इसमें जिंजर ऐड करी है, 2 ग्रीन चिली डाली हूँ, और ये ना रोस्टेड पीनट्स हैं। अब इसको मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया था, जैसे अब इसकी स्किन में से हट रही है ना, इतना रोस्ट करना होता है पीनट्स को। मैंने इसकी स्किन नहीं हटाई है, आप चाहें तो हटा सकते हैं। ये 1/4 कप के करीब थी पीनट्स, और थोड़ा सा मैंने सेंधा नमक डाला है। अब इसमें मैंने 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है, पानी डाल के इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1/4 कप के करीब दही, और दही डालने के बाद इसको फिर एक बार ग्राइंड कर लिया था, और बस बन गई हमारी कोकोनट चटनी। अब इसको हम इस डोसे के साथ सर्व कर लेंगे। चलिए अब डोसे का बैटर बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब साबूदाना है, जिसको मैंने 4 घंटे पहले सोक करके रखा हुआ था। और ये सोक होने के बाद जब मैं इसको मैश करी, आसानी से मैश हो रहे हैं ये। और ये मेरे पास है 1/2 कप के करीब सामक राइस, जिसे मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगोया था। और बस इसको मैं एक मिक्सर जार में साबूदाना को और सामक राइस को, या फिर समा राइस जो भी आप बोलते हैं, इसको मैं दोनों को, जो उसमें पानी था ना वो भी इसमें ऐड कर दिया है, जो मैंने भिगोने के लिए पानी यूज़ किया था वो भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डालकर इसको ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्राइंड करने के बाद मैंने दही ऐड किया है 1/4 कप, और फिर से इसको एक बार ग्राइंड किया है। दही डाल के कभी ग्राइंड नहीं करना चाहिए, वरना दही का टेक्सचर बिगड़ जाता है। अब देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मैंने बाउल में ये बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब उसके बाद इस बैटर को, अगर आपको गाढ़ा लग रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी रनिंग होनी चाहिए, अगर ये रनी नहीं है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इस बैटर की खास बात ये है, आपको बिल्कुल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे तुरंत ही हम डोसा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने तवे को गर्म किया है, और उसको घी से ग्रीस करके, जब ये तवा एकदम गर्म था ना, तब उसमें बैटर डाला है। अब इसको स्लाइटली मैंने चम्मच की हेल्प से फैला लिया है। जब डोसा थोड़ा पकने लगेगा तो अपने आप ही इसकी जो साइड्स हैं वो तवे को छोड़ने लगेंगी। और देखिए, यहाँ पे मैंने स्पैचुला की हेल्प से इसको किनारों को अलग करने की कोशिश करी, तो ये बिल्कुल आराम से अलग हो रहा है। अब इस डोसे में आप चाहें तो आलू की स्टफिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रोस्टेड पीनट्स ऐड करे हैं, और थोड़ा सा पनीर ऐड किया है। और बस इसके बाद इसमें थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, और ग्रीन चिली ऐड करी है, काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा,
स्प्रिंकल कर लिया है, थोड़ा सा सेंधा नमक डाला हुआ है, आप आलू की स्टफिंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी आसानी से डोसा बनकर तैयार हो गया है और एकदम तवे से बिल्कुल भी नहीं चिपका है ये। और इसी तरीके से आप बाकी डोसे भी बना लीजिए। बहुत ही ईजी और हेल्दी रेसिपी है, इतनी इंस्टेंट बन जाती है। जब आपका फास्ट में ऑयली खाने का मन ना हो तब आप इसको ब्रेकफास्ट में ही बना सकते हैं और कोकोनट की चटनी के साथ सर्व। व्रत में खाए जाने वाले साबूदाना वड़ा तो आप सभी ने बनाए होंगे, बट आज ये इस रेसिपी में आपको मैं ऐसी कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपका साबूदाना वड़ा एकदम क्रिस्पी बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1/4 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। यहाँ पे मैं इन दानों को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब इनकी ऊपर वाली स्किन थोड़ी हल्की सी गोल्डन कलर की हो गई है और जब मैं इनको हाथ से ऐसे रब कर रही हूँ तो इसकी स्किन उतर रही है। मैंने बस उतनी देर तक के लिए इन पीनट्स को भून लिया था। अब इसके बाद क्या करना है, इन पीनट्स को क्रश कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्रश कर लिया है और आप चाहें तो इसकी स्किन को भी पूरी तरीके से रब करके निकाल सकते हैं। क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको अपने साबूदाना को वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगोना होता है। उसके बाद इसको आप फ्रिज में रख दीजिए या फिर 7-8 घंटे के लिए इसको ऐसे एक्स्ट्रा पानी निकाल के छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा जो भी पानी है साबूदाना का, मैं इसको ऐसे स्ट्रेन कर ले रही हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमने पीनट्स क्रश करके रखी थी उसके ऊपर मैं ये बॉयल आलू को ग्रेट कर रही हूँ। ये मेरे पास छोटे छोटे 5-6 आलू थे जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो साबूदाना हमने स्ट्रेन करके रखा था, ये देखिए एकदम अलग अलग है ये साबूदाना, इसको हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ग्रीन चिली कट करके डाली है, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया डाला है कट करके, 1 इंच जिंजर डाली है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और नींबू को थोड़ा हाफ नींबू है ये भी थोड़ा सा मैंने इसमें निचोड़ दिया था। नींबू निचोड़ लेने के बाद अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैं जब भी साबूदाना वड़ा बनाती हूँ तो मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि मुझे आज साबूदाना वड़ा बनाना है तो मैं 4-5 घंटे पहले साबूदाना को भिगोऊँ और फिर बनाना स्टार्ट करूँ। मैं ये काम एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, साबूदाना को आधे घंटे के लिए भिगोती हूँ, फिर उसके बाद उसका एक्स्ट्रा पानी स्ट्रेन करके फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, फिर उस साबूदाना से साबूदाना वड़ा बनाती हूँ। अभी देखिए जो ये मैंने मिक्सर बनाया है साबूदाना का, वो ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत आसानी से ये वड़े बन रहे हो, थोड़ा थोड़ा अलग अलग ही हो रहा है ये मिक्सर। तो हमारा मिक्सर ऐसा ही होना चाहिए। इसका रीज़न एक ये भी है कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आलू ऐड नहीं किए हैं। आलू ज़्यादा ऐड करने से क्या होता है, हमारे जो वड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेते हैं और उतने क्रिस्पी नहीं बनते, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, बीच में जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। तो ये जो मेन पॉइंट हैं कुछ, ये हमें ध्यान देने होते हैं क्रिस्पी बनाने के लिए। अब ये जो साबूदाना वड़ा थे सारे मैंने बना लिए थे और जो ऑयल था वो स्टार्टिंग में मैंने हॉट रखा था, उसके बाद इसको जो फ्लेम है उसको मीडियम करके फिर इन साबूदाना वड़ा को सेक लेंगे हम। इन वड़ों को सेकते समय हमें फ्लेम को स्लो बिल्कुल भी नहीं करना है वरना ये ऑयल बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, इसलिए मीडियम या हाई फ्लेम इन्हीं में सेकना है इनको। अब इनको तब तक सेकना है हमें जब तक कि इनका जो कलर है वो गोल्डन ना हो जाए। अब देखिए परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है तो मैं इनको वड़ों को स्ट्रेन कर ले रही हूँ। अगर आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स से वड़े बना के देखिएगा आपको ज़रूर डिफरेंस पता चलेगा। साबूदाना की पूरी बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेगी ये। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब साबूदाना लिया है। अब इस साबूदाना को मैं मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके इसको ग्राइंड करके साबूदाना का पाउडर बना लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में ये साबूदाना जो पाउडर बनाया था उसको डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बॉयल आलू को ग्रेट कर रही हूँ। ये मैंने 2 आलू ग्रेट करके डाले हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ये सारी चीज़ें मिक्स करते हुए इसका आटा गूंथ लेंगे। अब ये आटा, इसमें थोड़ा सा पानी लगता है क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो ये बहुत ही हार्ड बनता है और पूरी बेलने में टूट जाता है और जो साबूदाना होता है वो पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो अगर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करके रख देंगे तो आटा थोड़ी देर में अच्छे से सेट हो जाता है, बेलने लायक बन जाता है। यहाँ पे मैंने आटे से छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। अब इस लोई से हम इसकी पूरी बना लेंगे। अभी यहाँ पे जब मैं बेलन से इसको बेल रही हूँ तो आप देख रहे हैं इसके किनारे थोड़ा अलग अलग हैं। अब चाहें तो आप इसको ऐसे भी सेक सकते हैं, बट अगर आपको एकदम गोली बनाना है तो आप इसको ग्लास से या कटोरी से कट करके एकदम गोल बनाकर इसको सेक सकते हैं। साबूदाना की पूरी तुरंत तुरंत बेल कर ही सेकनी होती है, ज़्यादा देर इसको रखना नहीं होता है बेल के। अब इनको मैं जब थोड़ा सेट हो गया है तब इसको पलट लेंगे और जब इसका कलर हल्का गोल्डन हो जाएगा तब इसको घी से ड्रेन कर लेंगे। या मैंने घी का यूज़ किया था।
की 10 मिनट्स में ये कटलेट बनकर तैयार हो जाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये, और इसको आप फास्ट में भी खा सकते हैं। ये मेरे पास समा राइस का आटा है 1/2 कप। अब मैं 1 कप के करीब यहाँ पे पानी ले रही हूँ पैन में, जिसे मैं हल्का सा गर्म कर रही हूँ। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच घी का ऐड किया है, और थोड़ा सा उसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, और थोड़ा सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया, ये सेंधा नमक था, और थोड़ी सी चॉप करके जिंजर ऐड करी है, ग्रीन चिली ऐड करी है, और थोड़ी सी यहाँ पे रोस्टेड क्रश्ड पीनट ऐड करी है, मूंगफली ऐड करी है क्रश करके, और ये 1/2 कप जो मेरे पास समा राइस का आटा था वो ऐड किया है। अगर आपको समा राइस का आटा नहीं मिलता है तो जो समा राइस है उसको आप मिक्सर में चलाकर उसका आटा बना सकते हैं। और इसके बाद जब ये आटा डाला है ना, उसके बाद स्पैचुला से कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 आलू डाले हैं, बड़े साइज के ये 2 आलू थे, ग्रेट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट में ये पककर अपने आप पैन को ऐसे छोड़ देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी और थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी बैटर को। बिना किसी झंझट के बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं ये कटलेट। अभी यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने दिया है, उसके बाद जब ये बैटर हाथ से पकड़ने लायक हो गया तब इसको लेकर मैंने यहाँ पे इसको शेप देना स्टार्ट कर दिया। अब शेप आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कटलेट का शेप दिया है और सारे ऐसे बैटर से बना लिए हैं रोल। अब इसको थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने पैन में बहुत ज़्यादा घी नहीं लिया है, क्योंकि फिर बहुत घी में इसको डीप फ्राई करते हैं तो बहुत ही ये ऑयली ऑयली सा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल में इसको टिक्की की तरह हमने सेक लिया है। और जब थोड़ा ये सेटल डाउन हो जाए ना, तभी इनको फ्लिप करना है। और बस 1 से 2 मिनट तक इनको सेका और ये क्रिस्पी ब्राउन कलर के हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको आप ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी किसी के साथ भी सर्व कर लीजिए, जो चटनी आप फास्ट में खाते हैं। बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी अगर आपको फास्ट की रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, उसमें मैंने फास्ट की सारी रेसिपीज़ ऐड करी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।